Hello friends, today we'll discuss about begin and start because it is a very important part of your communication. कई बार हम लोग ऐसे sentence बोलते हैं जिन sentences में हम बोलते हैं कि मेरे मुंह में पानी आने लगता है जब मैं इमली देखता हूं, या फिर मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगता है जब मैं लॉयन या ऐसे भयानक जानवरों को देखता हूं, या फिर मेरी आंखों से पानी टपकने लगता है, या मेरे आंसू आने लग जाते हैं जब मैं किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी भावनाओं से ओतप्रोत होने लग जाता हूँ जब मैं किसी को परेशान देखता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाना चाहते हैं बट नहीं बना पाते, दो इट इज वेरी सिंपल टू मेक। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं बिगिन और स्टार्ट से। इनकी बिगिन का इस्तेमाल या स्टार्ट का इस्तेमाल करके ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। आइएगा स्ट्रक्चर क्या होगा। हालांकि बिगिन जो होता है या स्टार्ट जो होता है इसको हम अकॉर्डिंगली टेंस यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आज प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, जब हम इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, यानी कि इनकी सेकंड फॉर्म्स वहां पर आएगी। जब फ्यूचर में हम यूज करेंगे तो विल के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, बट फिलहाल हम प्रेजेंट टेंस में इसको इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। हैव अ ग्लेंस ऑन द बोर्ड प्लीज। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट के साथ आपको बिगिन यानी कि बिगिन का इस्तेमाल करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉर्डिंग टू, एंड इसके बाद आपको बिगिन के बाद आपको जेरंड का इस्तेमाल करना होगा, राइट अब देखिए कैसे करेंगे। आप देखिएगा सेंटेंस, देखिएगा आप लोग, लुक एट द सेंटेंस प्लीज। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर रहा हूं सो दैट यू कैन जस्ट लुक एट द वीडियो वेरी प्रॉपरली। देखिए यहां पर द बेबी, ये बेबी है, द बेबी बिगिंस। अब यहां बिगिंस क्यों यूज किया, आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस आप पढ़ चुके हैं, ओके सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मैंने एस या ईएस का इस्तेमाल किया बिगिन के साथ में। बेबी बिगिंस डांसिंग, जिरंड है, बेबी बिगिंस डांसिंग व्हेन इट वॉचेस टीवी। जब बेबी टीवी देखता है तो वो डांस करना शुरू कर देता है या डांस करने लगता है, शुरू कर देता है या डांस करने लगता है, बात एक ही है। स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बिगिन, यहां स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए बिगिन यूज किया। स्टूडेंट्स बिगिन स्टडिंग बुक्स, स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ने लगते हैं। स्टूडेंट बिगिन स्टडिंग बुक्स व्हेन एग्जाम स्टार्ट्स, जब एग्जाम शुरू होते हैं तो स्टूडेंट किताबें पढ़ने लग जाते हैं, ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो क्या काम करने लग जाते हैं। देखिए यहां पर माई माउथ स्टार्ट्स वॉटरिंग व्हेन आई सी टैमरिंड, टैमरिंड इमली होती है, इसको देखते मुंह पानी आता है, बिकॉज वेरी इट्स वेरी सॉल्ट इन टेस्ट, सो इट गिव्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स एंड आवर टंग स्टार्ट्स या बिगिंस वॉटरिंग। सो माई माउथ स्टार्ट्स, यहां बिगिन की से स्टार्ट कर दे, एक ही बात है, ओके स्टार्ट्स वॉटरिंग, मेरे मुंह से पानी आने लगता है, कब, व्हेन आई सी टैमरिंड, जब मैं टैमरिंड देखता हूं यानी जब मैं इमली देखता हूं, राइट अब यहां पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहां जहां मैंने बिगिन का इस्तेमाल किया है, जैसे यहां पर मैंने बिगिन का इस्तेमाल किया, यहां किया, या मैंने स्टार्ट का इस्तेमाल किया, वी कैन रिप्लेस बिगिन और स्टार्ट, बिगिन और स्टार्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, एम राइट, इनके साथ में आप सिर्फ जिरंड का इस्तेमाल करेंगे, ये भी बात याद रखिएगा, यहां जिरंड का इस्तेमाल हमें करना है, इस बात का याद रखिएगा, बाकी सेंटेंस आपका एक्यूरेट करेक्ट बनेगा। इनको अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करना है, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम टेंस से बाहर जाकर इनका इस्तेमाल करेंगे, दे विल बी अप्लाइड अंडर द टेंस, एंड आई होप बिगिन और स्टार्ट का यूज अब आपको समझ में आ गया है। थैंक्स।